So there are basically many issues and many problems yet to be addressed. But जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल चीज किसी खातून के लिए है, हाँ वो सोसाइटी में है या वो वर्क प्लेस पे है, वो है गैस लाइटिंग, हरासमेंट, टॉन्ट करना, डिस्करेज करना. ये तमाम तर वो मसाइल हैं जो किसी भी खातून को जो है वो काम वाली जगह पर या इन जनरल सोसाइटी में जो है वो फेस करना पड़ते हैं. और बड़ा ताज्जुब हुआ था शुरू में मुझे ये फील करते हुए, लेकिन मुझे कहते हुए शायद उतना ताज्जुब नहीं होगा, हो सकता है आपको सुनते हुए, कि इतना स्ट्रेस या ये गैस लाइटिंग मर्दों से शायद उतनी नहीं आती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि मर्द तो जाहिर है वो अपोजिट जेंडर है, जितनी खवातीन भी करती हैं. यानी कि कोई खातून किसी खातून को तरक्की करता हुआ जब देखती है तो आई थिंक उसमें वो उसको जहां पर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गैस लाइटिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं. तो आई थिंक इट हैज नथिंग टू डू विद द जेंडर बाय द वे, लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर के साथ मुंसलिक है. सो ईदर अगर वो कोई मेल है या फीमेल है तो दोनों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन खवातीन को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं इस तरह की चीजें. आई वुड लव टू गिव देम दिस एडवाइस दैट वर्क हार्ड नो मैटर व्हाट. पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से अभी अगर हम इसको एज अ होल देखें तो बहुत चेंजेस आए हैं मीडिया इंडस्ट्री में भी. पहले खवातीन के रोल्स बड़े महदूद होते थे, बड़ी कम खवातीन होती थी जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही होती थी. अब उनकी तादाद कदरे ज्यादा है, उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, कदरे ज्यादा है, मगर जो अभी भी हमें टाइम लग रहा है ना उस चीज को नॉर्मलाइज करने में कि खातून कैन डू अ करंट अफेयर प्रोग्राम और खातून कैन बी अ रिपोर्टर, खातून कैन राइड बाइक, खातून कैन डू यू नो वट एवर अ मैन कैन डू, तो उसको समझाने में अभी भी टाइम लग रहा है, बहुत वक्त लग रहा है. और देखिए मीडिया इंडस्ट्री में क्या है, इट्स मोर और लेस द सेम थिंग जो कि आपको किसी और जगह पर भी मिलेगी. जैसे अक्सर डॉक्टर्स भी बताती हैं कि वो हरास होती हैं, या अक्सर डॉक्टर्स बताती हैं कि उनके लिए रूम नहीं होता उस तरह करने का, या उनकी शादियां हो जाती हैं और उनको शायद उस तरह एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता. इसी तरह मीडिया की खवातीन के साथ भी ये इशू है कि हम आ तो जाती हैं लेकिन फिर उस पर प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, और उस प्रेशर के अंदर जो है वो कुछ खवातीन फिर ड्रॉप कर देती हैं अपना करियर. तो मेरी एक एडवाइस ये है तमाम तर खवातीन को कि हमारा जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. किसी भी सोसाइटी में खातून के बगैर कोई भी फील्ड हो मुमकिन नहीं है. अब तो खवातीन माशाल्लाह बहुत बहुत और फील्ड में भी जा रही हैं. तो अपने आप को फोकस्ड रखें, महदूद रखें, अपने आप को यू नो टू दी पॉइंट चीजें रखें. आप ये समझ लें कि जो आप करना चाह रही हैं आज नहीं तो कल वो आपको मिल जरूर जाएगा. आप प्रोडक्शन में जा रही हैं, एंकरिंग में जा रही हैं, किसी भी फील्ड में जा रही हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार होती है, उसके लिए सब्र, तहम्मुल और फोकस ये बहुत जरूरी है. देखिए देयर सो मेनी वेज जिसपे हम वी कैन इनकरेज फीमेल्स, क्योंकि ये 8 मार्च में मनाने जा रहे हैं, खवातीन का आलमी दिन है. लेकिन खवातीन के आलमी दिन में अफसोस से कहना पड़ता है कि खवातीन को ही उनके हुकूक का नहीं पता है. हमारे लॉज ने हमें जो है वो हुकूक दिए हैं, हमारे मजहब ने हमें हुकूक दिए हैं, हमारी सोसाइटी भी देगी अगर हमें मांगना आएगा. तो मैं जो एक चीज कहना चाहूंगी कि खवातीन अपने आप को किस तरीके से बेहतर कर सकती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मीडिया दिस फील्ड. तो आप एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट या सहाफी या वट एवर यू डूइंग इन योर फील्ड, आप एक काम कर सकती हैं जो कि मैंने डिस्कस किया है कि आप अपने आप को उन तमाम तर लोगों से महदूद कर लें. यानी आई वुड नॉट से कि डिस्कनेक्ट कर लें, मगर महदूद कर लें अपने आप को, लिमिटेड कर लें कि जिनसे आपको लगता है कि आपकी लेग पुलिंग होती है या आप फोकस्ड नहीं रह पाते हैं. तो एक चीज समझना जरूरी है कि चांसेस कभी कभी दरवाजा खटखटाते हैं, हमेशा नहीं खटखटाते. तो आप लोगों को अपनी स्टोरीज दिखाने के लिए, बताने के लिए करेज की जरूरत है. और वो करेज देने के लिए मेरे जैसी बहुत सारी खवातीन मेरे ख्याल से बैठी होंगी मीडिया के अंदर, जो आपको आपका बाजू पकड़ के आपको आगे लेकर जाएंगी, ना कि आपकी टांग खींचेंगी. तो अपने आप को महदूद करें, लिमिटेड करें, फोकस करें, और
लोगों की बातों पे ध्यान देने से बहुत बेहतर है कि अपने आप से क्वेश्चंस करें और अपने आप को क्वेश्चन करके पूछें कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर। तो एक इस चीज से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और यकीनन आपको जो करेज है ना, वो सोसाइटी जितना मर्जी कोई आपको करेज देता, जो चीज अंदर से आती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो आपको हमेशा आपके साथ रहती है और आपको बहुत आगे तक लेके जाती है। तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, वर्क हार्ड एंड डू व्हाट एवर यू लव, दैट्स इट, दैट्स द टैगलाइन। बीइंग अ फीमेल, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे खवातीन को, जैसे कि भी मैंने पहले बताया कि हकूक तो हैं, यानी एक खातून का कोटा भी होता है, फीमेल कोटा मौजूद होता है हर सरकारी इदारे में, लेकिन जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, या हम बात करते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर हम लोगों को चीजें मिलनी चाहिए, तो मेरा ख्याल से यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि बहुत सारे मर्द जब कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे होते हैं, सीएसएस दे रहे होते हैं, तो वो बहुत सारे मर्द रह जाते हैं कुछ पॉइंट से, और किसी खातून को फीमेल कोटे पे, यानी खातून के, खवातीन के जो कोटा है उसमें से सीट मिल जाती है और वो मर्द पीछे रह जाता है। तो हैविंग सेड दैट, हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि खवातीन को उनका राइट जो है वो मिलना चाहिए और एम्पावर भी होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ किसी ऑपोजिट जेंडर का हक भी नहीं उनसे छीना जाना चाहिए। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है इस चीज को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी हम मिसाल देते हैं ना, उसमें खवातीन, अक्सर ममालिक में खवातीन के कोटे खत्म कर दिए गए। वाई? बिकॉज इट्स अबाउट इक्वालिटी। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर हमें पता है कि ये जंग बड़ी हार्ड है, इसको लड़ना है, उसको लड़ने के लिए मेरा ख्याल से ये चीज मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है कि जहां पर हमें लग रहा है कि नहीं, हमें एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, हम अपने टैलेंट की बिना पर, अपनी मेहनत की बिना पर वो चीज ले लेंगे, हासिल कर लेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन मुझे लगता है कि सब खवातीन टैलेंटेड होती हैं, कुछ घर के कामों में होती हैं, कुछ पेंटिंग्स में होती हैं, सिलाई कढ़ाई में होती हैं, कुछ बोलने में होती हैं, हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है, जिसका जो इंटरेस्ट है उसको अपने आप को पहचानना चाहिए और जो वो चाहता है वो करना चाहिए, और उसी, वही इंसान लकी होता है, हैप्पीनेस उसी को कहते हैं कि जो वो चाहता है वो करता है और जो करता है उसमें खुश रहता है। तो आई होप इस वुमेन्स डे को हम डिफरेंटली मनाएं, इस तरह मनाएं कि हम एम्पावर्ड खवातीन आने वाले दौर में अपने मुआशरे में देखें, दें स्कूटी चलाती हुई, बाइक चलाती हुई और खुद से फैसले करने वाली और बेहतरीन फैसले करने वाली, ना कि बेचारी और जिनको मदद चाहिए, ऐसी खवातीन नहीं।